नमस्ते टू ऑल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नोट्स बनाने के, जो हम नोट्स बना रहे हैं वो गुप्तोत्तर काल के मंदिर और किसने उनका निर्माण किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर मंदिर के बारे में पूछा गया तो गुप्तोत्तर काल के मंदिरों से मुख्य पूछा ही गया है। और दो तीन मंदिर जैसे बृहदेश्वर, कैलाश मंदिर और ये गुहा का मंदिर है, ये तो रिपीटेड हैं, बार बार रिपीटेड आने के बाद भी बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, साल दर साल हर कोई भी एग्जाम हो किसी में भी रिपीट होते हैं। और यही गुप्तोत्तर काल के मंदिर हैं, इनसे एक्स्ट्रा अगर नाम पढ़ें तो कोई नहीं, पर ये हमको जरूर पता होना चाहिए। बनाते हैं नोट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। और ये किसने बनाया? ये बनाया अनंत नाम चौड़गल ने, अनंतनाग चौड़गल ने ये मंदिर बनवाया। अनंत वर्मन चौड़गल ने मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर कोई मतलब इस टॉपिक में आता ही रहता है, इसकी डिटेल्स काफी है। तो कोणार्क में ही सूर्य मंदिर, और ये किसने बनाया? नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह वर्मन जो प्रथम हुए उन्होंने बनाया। नरसिंह वर्मन जो थे नरसिंह देव प्रथम और द्वितीय, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बन रहा है तो वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था। नरसिंह देव प्रथम मेन है इसमें, नरसिंह के साथ ही प्रथम जो है ये मेन है, क्योंकि आगे मंदिर आएंगे वो द्वितीय वालों के से रिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट है मतलब कंदरिया महादेव का मंदिर। ट्रेंडिंग जो चल रहा है कंदरिया देव महादेव का चल रहा है, ये आ रहा है न्यूज जो ट्रेंड में चल रहा है वो ये चल रहा है, बाकी बृहदेश्वर वगैरह ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो कंदरिया देव महादेव का मंदिर बनाया था धंग देव चंदेल, चंदेल शासक हुए थे धंग देव चंदेल इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट आता है कैलाश मंदिर अलोरा का। कैलाश मंदिर यहाँ भी आता है कांची का, लेकिन कैलाश मंदिर अलोरा जगह दी हुई है जो कृष्ण प्रथम ने बनाया था, कृष्णदेव प्रथम भी बोलते हैं, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। इन दोनों मंदिरों में कैलाश मंदिर में यही पूछा जाता है ज्यादातर कि कैलाश का मंदिर जो अलोरा में है, या तो पूछ लिया जाता है कि जगह कहाँ है, कैलाश मंदिर कहाँ है अलोरा में, और उसमें कांची नहीं दिया होगा। अगर कांची है तो कांची भी सही होगा, अलोरा नहीं दिया होगा। लेकिन अगर शासक के साथ नाम दिया जाए कैलाश मंदिर कृष्णदेव प्रथम द्वारा निर्मित, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है तो अलोरा होगा। फिर नेक्स्ट अगर पूछा ये आगा आगे टॉपिक आएगा। फिर हमारा एलिफेंटा का गुहा मंदिर। तो एलिफेंटा का गुहा मंदिर जो बनाया है हमारा एलिफेंटा का गुहा मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है एलिफेंटा का गुहा मंदिर। ये बनाया राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों का एक क्वेश्चन पर आता है ये वाला मंदिर, पूछा जाता है बार बार। तट मंदिर मामल्लपुरम में तट मंदिर है, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। यहाँ नरसिंह देव प्रथम है, यहाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय है। तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया मामल्लपुरम का। नेक्स्ट आता है कैलाश मंदिर। अभी कांची है, ये अलोरा है। कैलाश मंदिर कांची जो बनाया है ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनाया है, ये पूछा जाता है। ये भी मतलब दो चार मंदिर तो ऐसे हैं जो रिपीट होते रहे हैं बार बार, ये नहीं कि इस बार आ गया तो आगे नहीं है, नहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं ये मंदिर। कैलाश मंदिर कांची ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय का ही बनाया हुआ, इसके निर्माण करता तंजौर में है, और इसकी जो निर्माण करता है वो राजराज प्रथम है। नेक्स्ट आता है मुक्तेश्वर मंदिर कांची में है। मुक्तेश्वर मंदिर पूछ भी गया था कहाँ पर स्थित है, सीधे सीधे निर्माणकर्ता भी लिखा जा सकता है लेकिन इनकी जगह भी पूछी जा सकती है। तो मुक्तेश्वर मंदिर कांची जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है।
इन्होंने अपने टाइम में सबसे सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए थे। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय का ही बना हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है महाबलीपुर के एकाश्म रथ। बहुत ये जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है कंदरिया का महादेव और महाबलीपुर के रथ, एकाश्म रथ जो बने हुए हैं वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाए। नरसिंह वर्मन प्रथम, प्रथम और द्वितीय में कन्फ्यूजन होता है। नरसिंह देव प्रथम यहाँ है कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुर के जो एकाश्म रथ है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। बस यही सिंपल सा एक टॉपिक है जो नोट्स के लिए हम बनाते हैं, तो ये नोट्स के लिए बहुत पर्याप्त है मंदिर अगर गुप्तोत्तर काल के हम पढ़ते हैं। गुप्त वंश के भी एक दो मंदिर फेमस है लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्तोत्तर काल में पूछे जाते हैं, तो ये इतना ही है, इसको जरूर पढ़िएगा। थैंक्स अ लॉट।